दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बीते शुक्रवार को यानी 5 मार्च को चाइना ने अपना रक्षा बजट पेश कर दिया है। समझते हैं इसे। चीन का रक्षा बजट पहली बार 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। चीन ने वर्ष 2021 के लिए अपना रक्षा बजट 6.8% बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है। यह आंकड़ा भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा है। बात करें तो चीन के प्रधानमंत्री ली क्विन ने चीन की संसद यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के अधिवेशन के पहले दिन इस बजट की घोषणा की है। चीन का रक्षा बजट अमेरिका के रक्षा बजट का लगभग 1/4 है। अमेरिका का रक्षा बजट 2021 के लिए 740.5 अरब डॉलर रखा गया है। वहीं भारत के रक्षा बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट 65.7 अरब डॉलर के करीब है। बात करें तो ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इससे पहले या पिछले साल चीन का रक्षा बजट 196.44 अरब डॉलर रहा था। अमेरिका के रक्षा क्षेत्र पर चीन अमेरिका के बाद रक्षा क्षेत्र पर चीन सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। वहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले साल एक सम्मेलन में 2027 तक अमेरिका के बराबर की पूरी तरह से आधुनिक सेना बनाए जाने की योजना को अंतिम रूप दिया था। वर्ष 2027 में चीन की सेना का शताब्दी वर्ष होगा, यानी उसके चीन की सेना के 100 साल पूरे हो जाएंगे स्थापना के।